वेलकम टू अनदर गाइस। सो वेलो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग बेखुबी से समझ जाए चुके कि आज की ट्यूटोरियल कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा ही है, आज मैं अनबॉक्सिंग के साथ डिटेल में टोटल रिव्यू के साथ रिजल्ट देने वाला हूं। किसका? जो लोग TVS Apache RR 310 बाइक को यूज करते हैं, यानी जिन लोगों के पास TVS Apache RR 310 मॉडल है और जो लोग इसका शौकीन है, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है। क्योंकि गाइस मेरे पास भी ये बाइक है और मैंने कुछ दिन पहले जो है ये मेरा क्या है इसमें, तो चलिए डब्बा खोल देते हैं। फाड़ तो लिया पहले ही, तो आप खोल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये बिल कुछ भी है, देखो भाई अमेज़न से मैंने खरीदा हूँ और एक कार्डबोर्ड के अंदर ये रहता है। और ये है, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देख ही लिए, ये है मेरा TVS ब्रांड के Apache RR 310 बाइक का जो डिजिटल मीटर रहता है उसका स्क्रीन गार्ड। जी हाँ दोस्तों, आजकल बाइक में भी मोबाइल जैसा स्क्रीन दे देता है। और भाई बाइक भी बहुत ही कॉस्टली है, लगभग 3.5 लाख के आसपास पड़ जाता है। और उसका डिजिटल मीटर भाई पूछो ही मत, और भी ज्यादा कॉस्टली है। क्योंकि गाइस हम लोग 10-15 हजार का मोबाइल लेते हैं तो 500-700 का स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं, तो ये तो 3.5 लाख का मामला है, तो इसमें स्क्रीन गार्ड तो लगना ही चाहिए। तो आज के ट्यूटोरियल का मतलब है सबसे कम दाम में बेस्ट ऑथेंटिक स्क्रीन गार्ड क्या होता है TVS Apache RR 310 के लिए। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में उसका रिव्यू देने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने साइट से देख सकते हो मैंने इसको लिया है कहां से, मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले अमेज़न में लॉगिन कर लिया, उसके बाद भाई माय ऑर्डर सेक्शन में चला गया और जो है ये देखो भाई, मैं व्यू ऑर्डर डिटेल्स में जाता हूं और ये है भाई स्केच रेटेड मोटरसाइकिल स्पीडोमीटर कंसोल स्क्रीन प्रोटेक्टर जो कि 199 रुपीज में पड़ा है। और ये भाई इंस्टॉलेशन गाइड के साथ आता है और फाइबर ग्लास है ये, यानी भाई ठोकने पर भी नहीं टूटेगा। ठीक है, यानी भाई देखो तोड़ मरोड़ सकते हो, यानी इतना मोटा है। ठीक है, और इसे इंस्टॉलेशन के लिए सारा कुछ दिया हुआ है। ये कितना ज्यादा खास है, यहाँ पर रास जमता है कि नहीं, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, फिर भी मैं आप लोगों को टोटल इंस्टॉलेशन करके दिखा दूंगा। इसको लगाने का प्रक्रिया क्या है सारा कुछ भाई आप लोगों को दिखा दूंगा। और ये 199 रुपीज में ऐसे तो अमेजोन में बहुत सारे दाम का वेराइटीज मिल रहा था, 700, 800, 1000, 1500। चलो भाई इतना पैसा काय को इन्वेस्ट करना है, कम दाम में अगर अच्छा प्रोडक्ट देता है तो भाई हम लोग इसको यूज करेंगे। और ये सेलर जो है नए नए आए हैं, ये ऑटोमोबाइल एडवेंचर्स इंडिया के तरफ से ये प्रोडक्ट आया है जो कि काफी दमदार प्रोडक्ट लगा मुझे, इसका फीडबैक भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो पैकेज से क्या निकलता है सबसे पहले गाइस हम लोग देख लेते हैं, एकदम आसान सा है। ये तो खाली है, ठीक है। ये वाइपर्स मिलता है, एक है क्लीन करने के लिए यानी साफ करने के लिए और एक है ड्राई करने के लिए, ठीक है। और ये मिलता है, और ये मिलता है थर्ड स्टेप में, इसके जरिए आप अपनी स्किन को एकदम स्मूथ कर लेना। और उसके बाद ये स्किन प्रोटेक्टर, ये जो है फ्रंट और बैक, तो भाई ये देख लो भाई, ये दोनों में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। सबसे पहले देखा था ये है स्टेप 1 जो कि ये फ्रंट का है और ये बैक का है, ठीक है। यह फ्रंट का बैक का क्या मामला है, यानी भाई एक नंबर इसको खोल के आपको स्किन को फिट करना है और दो नंबर स्किन को फिट करने के बाद, यानी स्किन को अपने बाइक के मीटर में इंस्टॉल करने के बाद इसको जो है दो नंबर को आपको उठा लेना है और जो बीच का प्रोटेक्ट है वही इसमें लग जाएगा। तो चलिए भाई बाइक में ले चलता हूँ और ये इंस्टॉलेशन करके आप लोगों को रिजल्ट देता हूँ। तो मेरे भाई लोग ऑलमोस्ट सेटअप जो है मैंने कर लिया है और आप लोगों को मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखो भाई ये है स्किन, ठीक है। सबसे पहले गाइस आप लोगों को ये चीज दिखा देता हूँ, ये है स्किन गार्ड। ये स्किन गार्ड से पहले आपको नाप लेना चाहिए कि ये जैसे कि 2023 का मॉडल है और ये 2023 मॉडल से फिट होता कि नहीं, एकदम यहाँ से यहाँ तक लगेगा। तो भाई लोग देख लीजिए, ठीक है, छोटा नहीं होगा, देखो एकदम पूरी तरीके से फिट हो गया, एकदम पूरी तरीके से। तो सबसे पहले ये नाप लेना, उसके बाद लगा लेना और उसके बाद इसको पहले आहिस्ते से साफ कर लेना है। तो चलिए कैमरा में जाते, कैमरा में जाने के बाद सारा कुछ जो है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। और ये देखिए ये सिर्फ है RR 310, और जो लोग BMW का लेना चाहते हो तो BMW में भी ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि TVS Apache RR 310 और BMW RR 310 में ऐसा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे भाई लोग सबसे पहले मेरे भाई आप स्टेप 1 में जो वाइप्स मिलता है पहले इसको क्लीन करना है, उसके बाद इसको ड्राई करना है, उसके बाद इसको सुखाना है, क्लीन करना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ये कर लीजिएगा, उसके बाद ये लगेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टेप 1 को जो है हम लोग यूज कर लेता हूं। पहले जो मैं इसको फाड़ लेता हूं और फाड़ के जो है ये निकाल लिया, उसके बाद इसको अच्छे से खोला और रगड़ना है, ठीक है। कृपया फैन वैन जो है जो कुछ भी है ना फैन वैन उसको प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि फैन वैन रहते आप इसको काम को जो आसानी से कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो फैन वैन को एकदम ऑफ कर लेना है। तो भाई ये जो है साफ हो गया, अब इसको फेंक देता हूँ और स्टेप 2 अब जो है इसको निकालना है ड्राई वाइप्स को, ठीक है। इसको जो है खोलना है और अब जो है इसको साफ करना है अच्छे से, ठीक है, ताकि एक भी कोना कोना तक साफ हो। तो मेरे भाई स्टेप 3 में जो है ये देखो इस पेपर से जो है आप लोगों को सारा कुछ साफ कर लेना है। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं ऐसे, ताकि जो धूल मिट्टी का आँच है ना वो भी निकल जाएगा।
और अगर आपके पास ये वाला चीज है तो ये वाला चीज अगर होगा तो और भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे ऐसे करने से और भी काम जो है आपका आसान बन जाता, तो एक भी रास्ट आपका नहीं रहेगा। एक बार स्क्रीन गार्ड लगाओगे तो 5-7 साल में भी आपको उतारना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, आप अपने आंखों से ही देख पाओगे। तो मेरे भाई अब बारी आ चुका है स्क्रीन गार्ड लगाने का, तो सबसे पहले मेरे भाई ये नंबर वन, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये नंबर वन पहले इसको आसानी से खोल लीजिए। ठीक है, ये मैंने खोल लिया, उसके बाद एकदम आहिस्ता से फिट कर लीजिए। तो मेरे भाई लगा लिए, अब जो है सारे जो हवा बबल्स अंदर घुसा है इसको ऐसे से होल्ड करके दबा के पेस्ट करके, ऐसे से दबाना, ऐसे मत दबाना कि इसकी नहीं फोड़ जाए, ठीक है, दबा के आप निकाल लीजिए सारे को, सारे दब जाएगा, ऐसे से कीजिए, एक भी कोना कोना नहीं रहेगा। चलिए ऑलमोस्ट हो गया है, बाद बाकी देखा जाए, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए अब जो है आप देखिए, टन टन, ये दो नंबर को पकड़ा, ऐसे खोल लिया, वाव, अब लग रहा है कमाल। तो भाई साहब देखो कैसा लगता है, तो लाइट को ऑफ कर देता हूँ मैं, अब देखो कितना शानदार लग रहा है, सारे के सारे क्लैरिटी कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए फेस टू फेस बात कर लेते हैं, और क्या कहना भाई। अरे भाई लोग देख लिए कितना आसान था, अपने TVS Apache RR310 में गाइस आप एक स्क्रीन प्रोटेक्टर कैसे कितने आसानी से इंस्टॉल कर लिए, और वो भी मिला है बहुत ही चीप प्राइस में, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट 199 रुपीज में। अब देखा जाए लॉन्ग टाइम यूज ये कैसा रहता है, आप लोगों को जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात भाई, ये सेलर का वेबसाइट है, स्क्रीन QR कोड दिया हुआ है, कॉल नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी दिया हुआ है, और इस चैप्टर में लिखा है, आप लोग देख सकते हो, जैसे सेलर ने यहाँ पर लिखा है कि QR कोड स्कैन करने के बाद सेकंड टाइम अगर कुछ हम लोग परचेस करेंगे तो 25% का इन लोगों के साइट से ऑफर करते हैं, तो इन लोगों के साइट से हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो हमारे ऑटोमोबाइल पर्ट्स, तो सेकंड परचेस के लिए हम लोग को 25% का ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल से आप लोग काफी कुछ सीख सके। अपने TVS Apache RR310 बहुत ही एक महंगा बाइक है, उसके स्पीडोमीटर बहुत ही एक महंगा चीज है, उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर तो लगना चाहिए, क्योंकि आपके थोबड़ा बिगड़ जाएगा तो आपका कोई दाम नहीं, ऐसे ही बाइक का स्पीडोमीटर का फंक्शन है, ठीक है। इतने अच्छा फंक्शन जो कि मोबाइल जैसा दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है यार, हर एक मोड जैसे चेंज करना है, ट्रैक मोड, स्पोर्ट मोड, रेन मोड, अर्बन मोड, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मेरे भाई लोग, आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। वीडियो को पसंद आए एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को चार बार शेयर कर दीजिए, ताकि एक वीडियो बनाने में गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, अपने भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज फॉलो भाई चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू के ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो या उसको रिजॉल्व करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा इंस्टा फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको फॉलो करके मुझको मैसेज कर सकते हो, मैं आपके टेक्निकल इशू को मैसेंजर में रिजॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा, या अगर जरूरत पड़े तो आपके टेक्निकल इशू के ऊपर भी ट्यूटोरियल ला दूंगा। तो आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज फॉलो भाई चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे हैं उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं और एक 2000 को लेकर, तब तक अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।